रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पिज़्ज़े की तरकीब बताऊंगी जो बहुत आसान है और अब तो तकरीबन सब घरों में ही पसंद किया जाता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले इसकी पहले डो तैयार करूंगी। इसके लिए मुझे मैदा चाहिए, ये मैंने 4 कप लिया है और ये तकरीबन 500 ग्राम है। ये 500 ग्राम जो ये है मैदा है और दूध 1 कप है और दही मैंने इसमें शामिल की है 2 टेबल स्पून, 1 अदद अंडा है, ईस्ट 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून तेल है, 2 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी है और नमक 1 टीस्पून है और थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ से भी हाफ, बहुत थोड़ा सा इसके अंदर सोडा डालूंगी, मीठा सोडा जो होता है, और हल्का गर्म पानी, बिल्कुल हल्का सा। सबसे पहले 1 कप पानी लूंगी, 1/2 कप, और इसके अंदर ईस्ट डालूंगी, इसके अंदर चीनी शामिल की और इसके अंदर नमक, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी लिया है। अब अंडा लिया और इसको फेंट के आटे में शामिल करूंगी। इसके अंदर मैदे के अंदर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा सोडा डालूंगी, इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून, दही है 2 टेबल स्पून, एक अदद अंडा, 1 कप दूध, ये भी बिल्कुल हल्का नीम गर्म है, और ये ईस्ट भी फूल गया है, इसको भी शामिल कर दूंगी। डो तैयार है हमारी, थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के, और ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी और अब इसको मैं एयर टाइट करके और रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद फिर मैं ये इंशाल्लाह ताला राइज हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी। अब पिज़्ज़ा की चिकन बनाने के लिए मैंने 1/2 किलो जो है 500 ग्राम चिकन ली है और इसके लिए छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून सिरका, नमक 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, दही 2 टेबल स्पून। ये टिक्का मसाला है और इसकी रेसिपी जो है ये इंशाल्लाह ताला बिरयानी टिक्का चाट मसाला, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और 15-20 मिनट के लिए रख दूंगी और फिर इसको कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लूँगी। बस अब इसको मैं 20 मिनट के लिए रख दूंगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के 2 टेबल स्पून और इसको फ्राई कर लूँगी। चिकन बनाने के लिए अब सबसे पहले इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला और ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी है, 20 मिनट हो गए हैं, अब ये इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये 20 मिनट तकरीबन मैं पकाऊंगी और इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिला दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से नीचे ऊपर से पक जाए। हल्की आंच पे ढक के 20-25 मिनट के दरमियान मैं पका लूंगी इसको और फिर इसके बाद इसकी सॉस तैयार करूंगी, पिज़्ज़ा सॉस।
और ये चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है। ये चिकन मैं निकाल लेती हूँ और पिज़्ज़ा सॉस अब तैयार करूँगी। अब पिज़्ज़ा सॉस के लिए सबसे पहले बिल्कुल थोड़ा सा एक टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और लहसुन है ये कुटा हुआ, दो टमाटर हैं, एक प्याज है और एक हरी मिर्च है, ये शामिल करेंगी। हरी मिर्च दो तीन भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसमें चिकन में तेज़ मिर्च छोड़ी है इसलिए मैंने ये इसमें सिर्फ एक डाली है। इसके अंदर हाफ से भी कम टीस्पून नमक, अजवाइन, इसका फ्लेवर ही इसमें सबसे अच्छा होता है, तो थोड़ा सा मसल के डालते हैं। इसमें थोड़ा सा सिरका जाएगा, दो टेबल स्पून। और काली मिर्च आएगी हाफ टी स्पून। इसको थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाएगा, फिर इसको मैं ग्राइंड करके इसमें टमाटो केचप पड़ेगा। इस सॉस इसमें सबसे अच्छा जो फ्लेवर आता है वो अजवाइन का आता है। थोड़ी सी ऊंची करके रखते हैं और नीचे मैंने हल्का सा तेल लगा दिया है। इसको इसमें सेट करने के बाद थोड़ी सी देर रहने देते हैं। अब सबसे ये पिज़्ज़ा सॉस है ये मैंने इसको पीस लिया है ग्राइंडर में और अब ये बिल्कुल तैयार है। अब ये सबसे पहले हम इसके ऊपर ये डालेंगे। पहले सबसे पहले सॉस की लेयर लगाई, ये चेडर और मोज़रेला ये दोनों एक साथ मैंने क्रश करके रखा हुआ है। चिकन कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, सब्जी इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, उसके बाद फिर चीज़ डाल दीजिए। कोने पे ज़्यादा नहीं डले क्योंकि बाज वक्त जलने लगता है वो। इसमें सबसे अच्छे मुझे ये ऑलिव्स लगते हैं, ब्लैक वाले सबसे मज़े की टेस्ट आता है इसमें, खास जायका बहुत। ग्रीन वाले भी डलते हैं, फिर ये ओरिगैनो डलेगा इसमें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, बस ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये ओवन में भी रख सकते हैं आप, लेकिन मैं पतीले में बना रही हूँ तो ये मैं पतीले में रखूँगी। अब ये मैंने रख दिया है और इसको अब मैं ढक दूँगी और ये तकरीबन मैं इसको आधे घंटे के लिए पकाऊँगी, उसमें बीच में देख लूँगी अगर तैयार हो गया है तो ठीक हो जाएगा। अब ये मेरा बिल्कुल पिज़्ज़ा तैयार है और इसको मैं निकाल लूँगी। ये माशाल्लाह बिल्कुल हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है और इसकी डो भी माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट इसकी डो बनी है। उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।